2015 में स्टार्ट किए थे, तो हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 10 टन के आसपास था। आज 10 टन से 6 साल में हम 200 टन तक चले गए हैं। अचार बनाना ही हमारे लिए चैलेंज नहीं है, अचार की क्वालिटी भी रेगुलर रखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि जब तक कोई किसान व्यवसायी नहीं बनेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, या युवा हमेशा नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला होना चाहिए अगर उसे आगे बढ़ना है तो। आज हम इसी सूत्र में जानने वाले हैं एक सफल युवा उद्यमी की कहानी जिन्होंने घर से अचार बनाने का काम शुरू किया था और आज उनका प्लांट 200 टन प्रति वर्ष अचार बनाता है, अपने राज्य में सेल करता है और पास के राज्यों तक उन्होंने अपना बिजनेस फैला लिया है। आज हम जानेंगे उनके साथ मिलकर उनके संघर्ष के दिनों की कहानी और अगर हम उसी राह पे चलना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया, कैसे ये विचार आया, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम उनसे जानेंगे। तो दोस्तों, आचार पे विचार करने की ज़रूरत है, देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, मुझे आपके साथ आखिरी तक बने रहने की उम्मीद है, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आपका परिचय दे दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश गंजीर है, मैं ग्राम मोहरा जिला बालोद का हूँ। मेरा बेसिकली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हुआ है और उसके बाद मैंने 2015 में गंजीर फूड टेक गौरव पिकल्स को स्टार्ट किया है। अच्छा, ठीक है। तो ये गौरा फूड्स है, इसमें क्या क्या कौन कौन सा अचार बनाते हैं सर आप? गौरा पिकल्स बेसिकली 2015 में स्टार्ट हुआ है, जो अभी ट्रेडमार्क भी हो चुका है और ISO सर्टिफाइड भी है, FSSAI से लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है। हम लोग जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है सेफ्टी आर मैसूर है। बेसिकली हम लोग 20-22 अलग अलग प्रकार के अचार बनाते हैं, जिसमें है आम का है, नींबू का है, मिक्स का है, आंवला का है, करौंदा का है, लहसुन का है, मिर्ची का है। उसमें भी अलग अलग साइज़ में बनता है, लाइक 5 किलो का, 4 किलो का, 1 किलो का, आधा किलो का। उसमें भी 2 वेराइटी का है, लाइक होममेड वाला सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं। अब अभी हम पूरा मार्केटिंग पूरे छत्तीसगढ़ में भी और साथ में कुछ झारखंड के कुछ पार्ट, उड़ीसा कुछ पार्ट में कर रहे हैं। अच्छा सर, तो क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्या कोई ऑर्डर करे तो? हाँ जी जी, अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर हैं जो हमसे सीधा नहीं ले सकते हैं, वो आप ऑनलाइन मीशो में जाके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करके आप ले सकते हैं। सर हमको ये बताइए कि आपको ये अचार बनाने का ही कैसे ख्याल आया? ये स्टार्ट होता है 2006 जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था जी। तो मुझे जब इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मैं सबसे पहले BC फूड्स गया था। अच्छा, तो PC फूड से मैंने सबसे पहले मैं सीखा हूँ टोमेटो प्रोसेसिंग का काम जी। तो उस समय से एक अंदर से एक रुझान तो था मेरे को बिजनेस करना है, बट ये डिसाइड हुआ कि मुझे फूड प्रोसेसिंग में ही जाना है बोल के। अच्छा। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो मैं फूड प्रोसेसिंग पढ़ते कॉलेज में पढ़ा हूँ। लेकिन जब जो अचार का इसलिए सिलेक्शन हुआ कि जब मैं यहाँ पे जब स्टार्ट करने के तरफ बढ़ रहा था 2014-15 के आसपास, तब मैंने यहाँ पे देखा कि क्या ऐसा चीज़ है फूड इंडस्ट्री में कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रॉ मटेरियल, कि कहाँ से रॉ मटेरियल मिल सकता है, पहला चीज़ देखा मैं। दूसरी चीज़ देखा कि बहुत कुछ बिजनेस ऐसा है जिसके लिए बहुत बड़ा स्केल में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं चाह रहा था कि कम बजट में अपन कम से कम 15-20 लाख के बजट में अपन काम स्टार्ट कर सके। तीसरा चीज़ ये था कि डिमांड, क्योंकि मैंने जब पता किया कि मुझे जब लगता था कि अचार का बहुत सारे ब्रांड होगा छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब मैं पता किया तो मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी ब्रांड है वो अदर स्टेट के ब्रांड है। अच्छा, तो प्रॉपर छत्तीसगढ़ के ब्रांड नहीं, लाइक अब बड़े बड़े कंपनी के नाम जो सुने होंगे वो एक्चुअली छत्तीसगढ़ के ब्रांड नहीं है, वो बाहर के ब्रांड है, ठीक है ना। तो एक ब्रांड, क्योंकि फूड इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे लोग रीजनल टेस्ट चाहिए, अपना जो लोकल टेस्ट चाहिए, क्योंकि वो मसाले से ही टेस्ट बनता है। तो वो सब बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद, देख रेख करने के बाद पता चला कि नहीं, अचार का काम है। और जिसमें मुझे पहले से मैं उसके प्रति थोड़ा ट्रेनिंग ले भी चुका था और बाद में मैं CUFTA मैसूर से और एडवांस ट्रेनिंग लिया। अच्छा, तो इस प्रकार अचार की कहानी शुरू होती है सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि अदर ब्रांड्स भी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनका मार्केट में पहले से नाम है, तो वहाँ गौरा फूड्स अपने आप को कहाँ पाता है, कैसे अपने उनको कॉम्पीट कर पाएगा सर, ये जानना चाहता हूँ सर। देखिए, अगर कोई भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा नया ब्रांड है ये नहीं चलेगा, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप अपना ब्रांड एक छोटे से एरिया में चालू किए। जब हम 2015 में शुरू किए थे तो हमारा 2015 से 16-17 तक हम सिर्फ बालोद जिला में बेचते थे, बालोद जिला में एक गांव में,
लोग क्या कर रहे हैं कि आप ब्रांड स्टार्ट करते हैं लाइक धमतरी या बालोद जिला में, उसके बाद आप सीधा बेचने लग जाते हैं जगदलपुर में, अंबिकापुर में, अदर स्टेट में, और आपके आसपास के जो दुकानदार हैं आसपास गांव वाले या तहसील वाले, उनको पता ही नहीं रहता कि आपका ब्रांड है जी। तो हम लोग ऐसा नहीं है सीधा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सीधा गए, हम पहले रिटेलर के पास गए, हम पहले चिल्लर में ही रिटेलर को देने लगे, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अपॉइंट करने लगे। तो आपको अगर अपना जगह बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है, तो मार्केटिंग तो आपके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट ये है कि मार्केट आप जितने ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचोगे, जितने कस्टमर के पास, जितने रिटेलर के पास पहुँचोगे, तभी वही ब्रांड रिकॉग्निशन। अगर लोग आपका प्रोडक्ट अगर दुकान में रखा गया, उसके बाद आपके कस्टमर आप उसको लेने लगे, उसके बाद वो फिर से रिपीट ऑर्डर आने लगा, इसका मतलब आपका ब्रांड बनने लगा। और आपको ब्रांड बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी जगह, आप धीरे धीरे एक तहसील, फिर एक जिले से एक संभाग करते करते कभी स्टेट से करते देश तक जा सकते हैं। अच्छा, धीरे से शुरुआत करनी चाहिए सर। ये गौरा फूड्स हमारा जो है, ये एक साल भर में कितना पिकल का प्रोडक्शन कर लेता होगा सर? बेसिकली गौरा पिकल का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पहले इसका 100 टन पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी था, लेकिन 2018 में जब हम एक्सपेंड किए तो उसको 250 टन पर ईयर के हिसाब से कर दिए, तो हम आज की रेट में 180-200 टन पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लगभग 200 टन एक साल में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। सर देखिए, जैसे आपने बताया आप 20-22 प्रकार का अचार बनाते हैं, तो इसके लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक चैलेंज होगा सर, वो अपन कैसे फेस करते हैं? क्योंकि क्या है, सिर्फ अचार बनाना ही हमारे लिए चैलेंज नहीं है, अचार की क्वालिटी भी रेगुलर रखना अपने आप में एक चैलेंज होता है सर, इन्वेंट्री भी उसमें एक बड़ा फैक्टर है, तो वो हम कैसे करते हैं सर? बेसिकली अगर अचार की बात करते हैं तो जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मैक्सिमम फ्रूट्स है, और जो फ्रूट्स है वो अलग अलग सीज़न में आते हैं, ठीक है ना? तो लाइक जैसे कि अभी आज हम जुलाई में बैठे हैं, तो अभी हमारे पास नींबू रॉ मटेरियल अभी आना है, अभी थोड़े दिन के बाद करौंदा आ जाएगा जी, ठीक है ना? तो ऐसा है कि जितना भी मैक्सिमम रॉ मटेरियल हम लोग को गर्मी में मिलता है, लेकिन अराउंड द ईयर हमको अगर प्रोडक्शन चलाना है तो अलग अलग सीजन में अलग रॉ मटेरियल आते हैं। लाइक अभी जैसे कि थोड़े दिन की, अभी जैसे आपको बोला नींबू आ रहा है, अभी करौंदा आ जाएगा, करौंदा के बाद मिर्ची आएगा, मिर्ची के बाद आंवला आएगा, आंवला के बाद आपका फिर जिमीकंद स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका लहसुन है, प्याज है, स्टार्ट हो जाएगा, फिर नींबू आएगा, फिर गाजर आएगा, फिर आम आएगा, फिर कटहल आएगा, ठीक है? ये राउंड द ईयर चलते रहता है प्रोडक्शन। तो ये पहला चीज़ ये होगा आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल उसका, अब इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है ना? अब इसके लिए जो भी पैकेजिंग मटेरियल है या जो स्पाइसेस है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस करते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल हमको, क्योंकि वो वन टाइम आता है, साल में एक बार ही आएगा आपको, जैसे करौंदा एग्जाम्पल या आंवला है, वो साल में एक बार ही आएगा, तो हमको उसको पूरा स्टोर करना पड़ता है। बाकी जो रॉ मटेरियल है लाइक मसाले है, प्रिजर्वेटिव है, स्पाइसेस है, पैकेजिंग मटेरियल है, वो एज पर डिमांड हम उसको परचेस करते रहते हैं। सर मैं नेक्स्ट ईयर जानना चाहता हूँ कि गौरा पिकल में पिकल का प्रोसेस क्या है, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक रॉ मटेरियल आ गया, उदाहरण के तौर पे आम लेते हैं, अब वो आम आ गया, तो वो आम से आम का अचार बनने तक का आप क्या प्रोसेस रहेगा सर? देखिए बेसिकली आम से अचार बनने का प्रोसेस तो सबको पता ही है, क्योंकि हर घर में अचार बन रहा है, लेकिन अगर हम फैक्ट्री वाइज या प्रोडक्शन वाइज टेक्निकल वाइज सोचें तो सबसे पहले जो आम आता है उसमें आम का क्वालिटी चेक ऐसा होता है कि एक कुछ आम पके वाला आते हैं, कुछ ख़राब आते हैं, तो सबसे पहले क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के बाद उसकी शॉर्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, जो भी डर्ट या उसके पत्ते वगैरह रहते हैं उसको साफ किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें ग्रेडिंग और शॉर्टिंग होती है। ग्रेडिंग शॉर्टिंग मतलब जो छोटी साइज़ की अलग होती है, बड़ी साइज़ की अलग होती है, या कुछ पका वाला क्वालिटी वाला होती है उसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो अचार काम नहीं आएगा। फिर उस वो होने के बाद उसके हमारे पास दो तरीका कटिंग है, एक हमारे पास कटिंग मशीन है, ठीक है, एक मैनुअल कटिंग होती है। तो कटिंग मशीन क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ठोस आम आने लग जाता है जिसमें अंदर में जड़ ज़्यादा हो जाता है, तो वो मशीन में नहीं कटता है, तो वो मैनुअली काटना पड़ता है। और जो आम वाला थोड़ा सा आम जो सॉफ्ट आ रहा है वो पूरा मशीन में कटता है, ठीक है ना? उसके बाद मशीन में कटने के बाद उसमें उसका जो बीज है, ठीक है ना, उसको बीज को भी पूरा प्रॉपर अलग निकाल के उसको सेग्रेट किया जाता है। उसके बाद कटिंग होने के बाद उसमें हम नमक डाल के और कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के उसको हम अगले 4-6 महीने के लिए स्टोरेज में डाल देते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास ऑर्डर आता है या डिमांड आता है तो पर मंथ के हिसाब से जो ऑर्डर है उसके हिसाब से उसमें स्पाइसेस, ऑयल वगैरह
हम उसमें ऐड करते हैं। हमारे पास मशीन भी है, मिक्सिंग मशीन भी है आपके पास। उसके बाद उसको फिल करने के लिए फिलिंग पैकेजिंग फिलिंग मशीन है। फिलिंग मशीन के बाद उसके उसके ऊपर में कैप लगता है, उसमें वेट भी लगता है, ठीक है ना। तो वो वेट लगाने के लिए भी एक इंडक्शन सीलिंग मशीन है। उसके बाद लास्ट में स्टिकरिंग जो आपका लेबल जो लगता है वो स्टिकरिंग होती है। वो पूरे मशीन हमारे यहाँ अभी मशीन हम बोल सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब आधे काम मैनुअली होता है, आधे काम मशीन से होता है। जैसे हमारा आपका इतना बड़ा प्लांट है गौरा पिकल, तो इसकी मार्केटिंग के लिए भी अलग से एक टीम होगी या क्या इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग कैसे करता है सर, ये जानना चाह रहा हूँ। बेसिकली मार्केटिंग जो FMCG जितनी फूड कंपनी की रहती है वो हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना, कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है या एक स्टॉकिस्ट होता है, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डीलर या रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से सीधा कस्टमर के पास जाता है। तो हम लोग ऐसा है कि दो तीन चीज़ों में अलग अलग डील करते हैं। एक तो जो नॉर्मल हब एंड स्पोक मॉडल है वो उसके लिए है, क्योंकि हमारा मेन ऑफिस अभी रायपुर में है, डुमरत्री में हम लोग का मेन ऑफिस है, तो वहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ का या जो हम उड़ीसा वाला पार्ट या झारखंड वाला पार्ट देखते हैं वो पूरे वहीं से हैंडल होता है, वहाँ से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाता है। हमारे पास अब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला, हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए हैं, हम खुद ही एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। और जो हमारा जो नियर बाई जो फैक्ट्री से 40-50 किलोमीटर के नियर बाई एरिया है उसको हम सीधा फैक्ट्री से डिस्पैच करते हैं। तो जो ये यहाँ पे हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ही काम करते हैं जो फैक्ट्री के आसपास, क्योंकि हम जब बिज़नेस स्टार्ट किए थे तो यही लोग सबसे पहले जुड़े थे, तो इस लोग इनको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम इनको सीधे ही सप्लाई करते हैं जो 40-50 किलोमीटर सर्कल है। उसके बाद हमारे पास ये तो पूरा ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़ होता है आज के में जो मॉडर्न ट्रेड है, जो मॉल वगैरह हैं, तो मॉल वगैरह है जो मॉल से हम लोग का टाई अप हो जाता है उसको हम सीधा मॉल को रायपुर से ही डिस्पैच होता है। और जहाँ तक अभी थोड़ा देर पहले हम आपसे बात किए ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन तो एक तो कोई जो बाहर का स्टेट के हैं या विद इन छत्तीसगढ़ भी हैं, अगर वो ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो सीधा हम कंपनी से बात कर सकते हैं। बाकी हम अभी मीशो जो ऐप है उसमें जाके आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मीशो में आप मिल जाएंगे सर। ठीक सर। सर नेक्स्ट मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हमने फैक्ट्री डाल रखी है और बहुत सारा काम भी हमें फैला हुआ है, तो क्या हमको लागत क्या पड़ती है, मुनाफा क्या होता है, क्या सेटिस्फैक्ट्री हम है, मुनाफा वगैरह होना चाहिए? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि आपको देख के कोई और भी इंस्पायर हो सकता है कि भाई हम भी इस विषय पर काम करें या सिमिलर किसी विषय में। तो आप मुनाफा के विषय में क्या सोचते हैं सर, कैसा होता है? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं साल भर दो साल में बहुत जल्द पैसा कमा लूँ, इसके हिसाब से आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में आपसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में आपका आपका जो लागत है, जो बिजनेस बिल्डिंग का मशीनरी का लागत वो लगता है, उसका एक रिकवरी टाइम रहता है 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन अगर आप मेरे अगर हमको हमें पूछे तो हम जब 2015 में स्टार्ट किए थे तो हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 10 टन के आसपास था। आज 10 टन से 6 साल में हम 200 टन तक चले गए हैं, मतलब हम 200 गुना बढ़ा लिए। हम पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील में 2015 में हम सिर्फ गुरूर तहसील, बालोद तहसील, धमतरी तहसील में काम करते थे। आज हम 100 से ज़्यादा तहसील में काम करते हैं या 25 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। और मार्जिन का चीज़ ऐसा है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको मसाले का कहाँ पे मिलेगा, आपका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, ये धीरे धीरे आप मार्केट में सर्च करते जाते हैं, तो धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको ज़्यादा पड़ता है, इसी कारण आपको मार्जिन कम मिलता है। लेकिन जब जैसे आप 1 साल 2 साल होते जाओगे तो मार्जिन, अचार के बिज़नेस में ऐसा है कि आप ना अच्छे से अगर सोर्सिंग करेंगे, अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो आपके 40-50% मार्जिन है। अच्छा, यानी सेटिस्फैक्ट्री अपन कह सकते हैं जी सर। जी जी बिल्कुल। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम जब बिज़नेस हमारे स्टार्ट किए तो 1000 स्क्वायर फीट की जगह में स्टार्ट किए थे, आज हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 स्क्वायर फीट में प्लस में है, ठीक है ना। आपको बोल रहा हूँ कि हम जब स्टार्ट किए थे तो दो आम और नींबू से स्टार्ट किए थे, आज हमारे पास 22 अलग अलग वैरायटी है और 100+ SKUs हैं, जिसमें एक किलो से लेकर आधा किलो, 5 किलो, 4 किलो, 200 ग्राम, 100 ग्राम, उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। लाइक होममेड का अलग है, आपका प्रीमियम सेगमेंट का अलग है। ये आपको मैं दिखलाना चाहता हूँ, ये आप ये हमारा आम का है 1/2 kg का जी, जो ये होममेड में है, ठीक है ना, ये 1/2 kg का है। वैसे ही अलग अलग SKUs है जिसमें आपके पास करौंदा का भी है, लहसुन का भी है, मिर्ची का भी है जी। से डायरेक्ट कोई परचेस करना चाह रहा तो क्या कोई नंबर है जिस पे आपको फ़ोन कर सकें और ले सकें? सर नंबर बताइए।
हम लोग हमारे ऑफिस का नंबर है 8959260130। ये हमारे रायपुर ऑफिस में का नंबर है। तो आपको अगर किसी भी लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डायरेक्टली परचेज करना है तो इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे ये गौरा पिकल को देख के कोई आदमी इंस्पायर होता है और इस तरह से कुछ वो चालू करना चाह रहा है, तो ऐसे नए लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है कि वो किस बात की सावधानी रखें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आज तो रोज़गार मतलब क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना जी। लोगों को ये सब धीरे धीरे बिजनेस की तरह आना चाहिए। और सावधानी की बात करें तो सबसे पहले चीज़ मैं बोलता हूँ कि उसका लगाव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसका टीम होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा भले स्टार्ट कर सकता है लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको टीम चाहिए। तीसरा चीज़ होता है डिमांड। लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि जिस प्रोडक्ट का डिमांड ही रहता है उसका प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ चीज़ है क्वालिटी पैरामीटर्स, क्योंकि पहले क्या होता था बिज़नेस करने के लिए लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आज की जनरेशन में जब IIT IIMs के लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपका क्वालिटी पैरामीटर होना चाहिए। और फोर्थ चीज़ होता है इनोवेशन, आपको मार्केट में कुछ ना कुछ नया देना है। जैसे कि अचार है हमारा, तो हम अचार में चाहे अलग साइज़ देते हैं, अलग वैरायटी देते हैं, तो आपको मार्केट में कुछ ना कुछ नया चीज़ नयापन आने देना होना और इनोवेटिव होते रहना है, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। कीमती जानकारी के धन्यवाद।